जिस प्लानिंग की जरूरत है वो प्लानिंग हमें नहीं दिखती है। कहा यह जाता है, बचपन में हमने यही सीखा कि अगर कहीं भी एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 5 पौधे लगाओ। अब पहाड़ों पर इतनी कटाई जंगलों की हो रही है, कहां हम तो देख नहीं रहे हैं कि ग्रीनरी की तरफ कोई सोच भी रहा है। देखिए श्रीमान जी, नहीं ऐसा नहीं कि भाई कोई ग्रीनरी की तरफ नहीं सोच रहा। अगर मैं आपके स्टूडियो में बैठा तो कहीं ना कहीं मैं ग्रीनरी को लेकर काम कर रहा, मैं पर्यावरण विद के रूप में काम कर रहा। लेकिन हाँ, ये भी बात सोचनी है कि जिस तरीके का प्रचार प्रसार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, अभी आप देखो 20 जुलाई गई, आप यूपी की बात करो, यूपी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 36.5 करोड़ जो है पौधे लगा के उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये कितने पौधे बच रहे हैं, कितने पौधे आगे जाके पोषित होंगे, ये कितने पौधे बचेंगे, इस पे भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। रही बात जो बात विकास की चल रही, मैं आपको बताऊं, अपना खुद का अनुभव बता रहा, मैं देहरादून, यहां से जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, मैं पहली बार 1995 में जब देहरादून गया तो वहां पे गर्मियों में भी पंखा चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के टाइम अगर आप देहरादून जाएंगे, आपका एसी के बगैर वहां पे काम नहीं चल सकता। दूसरी बात, आप देहरादून से जो भी रोड जा रही, जो रोड देहरादून को जा रही, आप वहां पे किस तरीके से आप जो है रोड बना रहे और किस तरीके से आप पहाड़ों की कटाई कर रहे, भाई देहरादून तो अब देहरादून लगता ही नहीं, देहरादून को भी आपने दिल्ली बना दिया। कहीं ना कहीं आप विकास की तो बात कर रहे, लेकिन आप विकास के साथ साथ इस प्रकृति का जो विनाश कर रहे। अभी आदरणीय श्रीवास्तव तो जी ने इस बार तो शिमला का तापमान 41-42 तक पहुंचा। अरे श्रीमान जी, आप शिमला क्या, पूरे के पूरे आप हिल स्टेशन की बात करो, हिल स्टेशन लगते नहीं, हिल स्टेशन है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो एक कबूतर बिल्ली का खेल चल रहा है, यहाँ हर किसी को हर बात का पता। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात की, श्रीमान जी धन्यवाद दे रहा इस चैनल के माध्यम से आपको। इन्होंने जनसंख्या की बात करी, पहाड़ों के अंदर किस तरीके से पहाड़ी एरिया में जो है जनसंख्या वहां पे बढ़ रही, और मैं तो पहाड़ी एरिया में नहीं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 143 करोड़ होगी। क्यों भाई, कौन बात कर रहा जनसंख्या के ऊपर, कैसे काम चलेगा। मुझे एक कविता याद आ रही, धरती कहती मानवता से सुख सच्चा पथ अपनाओ, जनसंख्या का भार बढ़ा है अब न तुम इसको और बढ़ाओ। अगर हम दिल्ली के अंदर बैठे, दिल्ली NCR के अंदर, श्रीमान जी यहाँ पे भी कितनी पॉपुलेशन होगी। आज इंसान इंसान की तरीके से नहीं, जानवर की तरीके से जो है धक्के खा रहा है इधर से उधर। आप मुझे बताओ, देश की राजनीति में कोई जनसंख्या की बात कर रहा क्या, देश की राजनीति में कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा क्या, दिक्कत क्या है। अब अगर ऐसी समस्याएं आ रही तो हम डिबेट के ऊपर बैठ गए, अदरवाइज कोई सुध लेने वाला नहीं। श्रीमान जी मैं फिर कह रहा, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें ऐसे मुद्दों को राजनीति में लाना पड़ेगा। सुशील सर से पूछा कि क्या ये हाई टाइम है, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमने इस बार ही देखा कि दिल्ली का तापमान 53-54 डिग्री के आसपास जा रहा है। अब भाई अभी ना